हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज काफी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ। हाय गाइस, मैं फिर से निकल पड़ी हूँ जाने पहचाने सड़कों के बीच से। इन सड़कों को देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं गाजोलडोबा पिकनिक स्पॉट, उस जगह का नया व्यू कवर करने के लिए। तो बाकी बातें डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद करते हैं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ। और आज मैं पहुँच चुकी हूँ सिलीगुड़ी के लोगों के बहुत फेवरेट जगह बोल सकते हैं, जो कि गाजोलडोबा टूरिस्ट स्पॉट। ठंडी के मौसम में सिलीगुड़ी के लोग यहाँ पर एक से दो बार तो विजिट करते ही है। उसी तरह मैं भी यहाँ पर विजिट करने आ गई हूँ। और मैं आप लोगों के साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ वो है गाजोलडोबा टूरिस्ट स्पॉट का नया लुक, क्योंकि अभी यहाँ पर एक नया ब्रिज बना है और एक नया फ्लाईओवर बन चुका है, जिसके वजह से गाजोलडोबा प्लेस का खूबसूरती और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज वही व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, यही है वो गाजोलडोबा का नया बड़ा सा ब्रिज, जो कि दोनों तरफ से उठ के बीच में राउंड से मिल जाता है, जिसके एक तरफ वो नया ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर से कैनल का व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और ये नया ब्रिज को देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पर आके भीड़ कर रहे हैं। वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा कितने सारे लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। गाजोलडोबा का ये नया लुक देखने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि हम लोग जब वो नया ब्रिज को देखने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग को इतना ट्रैफिक के बीच से जाना पड़ रहा है। बहुत जाम लग गया था यहाँ पर। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मैं गाजोलडोबा का मेन अट्रैक्शन इस खूबसूरत सा ब्रिज के पास पहुँच चुकी हूँ, जिसको देखने के लिए इतना भीड़ लगा हुआ है। लेकिन मेरा बैड लक था, क्योंकि इस ब्रिज का ओपनिंग तो हो चुका है लेकिन इसके ऊपर लोगों को जाने के लिए अभी तक परमिशन नहीं मिला है। लेकिन इस ब्रिज के पास आप लोग देख सकते कितना भीड़ लग चुका है। लोग यहाँ पर बाईसाइकिलिंग कर रहे हैं, घोड़े के गाड़ी में बैठ रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख लीजिए लोग यहाँ पर किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।